ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी दुकान है, कोई पागल कुत्तों का अस्पताल नहीं है। ऐसे चिल्ला रहे जैसे सबसे बड़ी बोतल एरिनी का तेल पी लिया। चलो 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 जवानों की तरह लगा। चलो क्या चाहिए? बोल। एक किलो शक्कर। मेवालाल जी, ये कौन अकल का अंदाज समझ का बह रहा है? कुछ शक्कर चाहिए। अबे हिंदुस्तान देख, शक्कर देख, अब तो वो जमाना आ गया कि लोग बीटी बातें करते, गर्म पानी पीते और चाय का मजा लेते हैं। ये तू क्या खा रहा है? केला। तेरे बाप का केला है? मगर मिलावट राम जी, सरकार ने हम लोग के हिस्से की शक्कर आपके पास भेजी है। अच्छा, सरकार ने भेजी है? बुलाओ सरकार को, अभी पूछता हूँ कब भेजी है। जो भेजी थी वो पिछली दिवाली में खत्म हो गई। मिलावट राम जी, हर कोई जानता है शक्कर का कोटा आपके घर में रखा है। हाँ रखा है, मगर वो कोटा मेरे घर का कोटा को हराम का कोटा नहीं है। मेरा बच्चा बगैर शक्कर के दूध नहीं पी रहा है, मेहरबानी करके अपने घर के कोटे से शक्कर दे दीजिए ना। अगर तेरे को मेरे घर के कोटे की शक्कर चाहिए तो तेरे को 10 रुपए का परमिट दिखाना पड़ेगा। मतलब 10 रुपया किलो? ठीक है, मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, जरूरी है। कड़वाई के जमाने में तेरे शक्कर देना, वो भी मीठी। मेवालाल, इसको एक किलो शक्कर बांध के दे, सफेद वाली मीठी वाली काले भाव में। ये तेरे बाप का माल है क्या? पानी निकाल रहा। अरे भाई, हमारा नंबर कम आएगा, धूप में खड़े खड़े पांव दुखने लगे। अबे छप, पैर दुखने लगे? कभी ये सोचा हमारे पैर कितने दुखते होंगे जब मुझ जैसा नौजवान और मेरा ये बुढ़ा नौकर हम लोग शहर जाते हैं, सारा सामान सब उठा के लाते हैं और तुम जैसे एहसान फरामोशों को देते हैं। भाषण बंद करो ना, मुझे 5 किलो गेहूं का आटा दो और ये रहा आपका परमिट, 20 का नोट। अबे घुन की तरह गेहूं में पिसने वाले गधे, इस 20 रुपए में तेरे को 5 किलो आटा चाहिए? अबे आटे का फोटो नहीं मिलेगा। चलो दूसरा नंबर किसका आ गया? अच्छा अच्छा ठीक है, हेलो 5 रुपया, लेकिन याद रखना एक ना एक दिन तुम्हारा यह जुल्म जरूर खत्म होगा। नमक हराम हो तुम लोगों, मिसाल भूल के जिसका नमक खाते उसकी थाली में छेद नहीं करते, और तुम लोगों ने मेरा नमक नहीं, मेरा आटा, मेरा दाल, मेरा चावल, मेरा जाले जगह खा लिया है और मेरे धंधे में छेद कर रहे हो। मेवालाल, इसकी मुंह में 5 किलो आटा मार। चलो अगला नौजवान कौन है? 1 किलो चने की दाल देना। ये मुंह और चने की दाल, इस देश में बड़े बड़े नेताओं की दाल नहीं करती, तू कहां से दाल लेने आई है? चल आ जा। सेठ जी, ये लाइन में जाने वाली नहीं है। क्यों? ये मेरी रिश्तेदार है। ये तेरी रिश्तेदार है? अबे तू बिना माँ बाप का गटर में पैदा हुआ था। अच्छा, इतना लावारिस था कि तेरे को यतीम खाने वाले भर्ती नहीं करे थे, फिर तेरी रिश्तेदार कहाँ से आई? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे दूर के नजदीक के रिश्ते की रिश्तेदार है। तो पता चला ये रात को अंधेरे में मालूम पड़ा मुझे। सेठ जी दाल दे दीजिए। अच्छा चल, मेरा नौकर बोला इसलिए तेरे को दाल दे रहा हूँ, जा दाल लेकर। दाल लाए। अरे मेरी फूलमती, उस नकली वनस्पति की गोद में। अबे अबे आंखें के मौसमी की भागे दिखाई नहीं देता है, गाड़ी चला रहा है, पतंग उड़ा रहा है। आपने मुझसे कुछ कहा? और नहीं तो क्या, आपने बाप से कुछ कहा? ये क्या चक्कर है, गाड़ी की टांकी में पेट्रोल की जगह मेंढक भरे क्या? वैसे रहे। मेरी टांकी में क्या भरा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो तुम्हारी गोद में धरा है उसे तो पहले हटाओ। क्या धरा है? एक तो लोगों को डराते हो, ऊपर से जबान चलाते हो, वैसे रहे। और तुम बुढ़ापे के सिने पर जवानी का पोस्टर चिपकाते हो, कहीं तुम्हारी बीवी आ गई ना तो मार मार के फटे हुए पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका देगी। ये बेचारी तो घबरा के ऐसी मेरी गोद में गिर गई थी। जब कोई गोद में गिर जाता है तो उसको निकाल भी दिया जाता। तुम्हारी गोद कोई गांव का तालाब है, इसमें कोई जानवर गिर जाए तो घंटा भर लगता है उसको निकालने में। अरे जाने काले, देखा तुझे करनी का फल मिल गया ना? क्या मिला? तूने मेरे फूल पे हाथ डाला, भगवान ने तेरा मुंह काला कर डाला। मुंह काला? अरे तेरी, अरे तेरे वो कीड़े पड़े इतने बड़े बड़े। मिलावट जी, मुझे शुद्ध दूध का पाउडर दे दीजिए ना। शुद्ध दूध का पाउडर? तुम मुझे गाली दे रही हो? मैं क्या मिलावट करके बेचता हूँ? अरे इतना असली दूध तो गाय भी नहीं देती जितना मैं देता हूँ। मैं देता हूँ मतलब मैं बेचता हूँ, निकाला 10 रुपए। लेकिन कल तो मेरे पड़ोस 8 रुपए में ले गई थी। 20 रुपया जल्दी करो, नहीं तो पीछे वाले मर जाएंगे। अच्छा अच्छा, मेरे पास 10 रुपये है, 10 रुपए ले लो। क्या कर रहे हो? साफ कर रहा हूँ। असली दूध लेकर? असली दूध ढूंढना पड़ा। हाँ जल्दी ढूंढ, ढूंढता हूँ। तुम्हारा बेटा मेरा दूध पिएगा तो खींच के ऊंट की तरह लंबा हो जाएगा, 6 महीने पिएगा तो खड़ा खड़ा 60 साल का हो जाएगा। क्या मिल गया? मिल गया, मिल गया। ये रहा असली दूध। मिलावट राम, नाम की तरह तुम्हारे कामों में भी मिलावट बढ़ती जा रही है। ये दूध यहाँ कैसे आया? हाँ, ये दूध का पाउडर तो अस्पतालों में फ्री दिया जाता है, तुम इसे बेच कैसे सकते हो, और वो भी मिलावट करके? देखो देखो ये बच्चा तुम्हारे यहाँ का दूध पीकर बीमार हो गया है। ये दूध मेरी दुकान का नहीं, कहीं और से खरीदा होगा इसने। मिलावट राम, इस गांव को छोड़कर किसी आसपास के गांव में कोई और दुकान नहीं है तुम्हारी दुकान के अलावा।
नहीं दुकान तो नहीं है मगर मैं कभी मिलावट करता ही नहीं, खामखा इन लोगों ने मेरा नाम मिलावट राम रख दिया। मैं राम की कसम खाता हूँ मैंने कभी मिलावट किया ही नहीं आज तक। अच्छी बात है, चलो पुलिस स्टेशन। नहीं नहीं नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाओ। मेरे ससुर पहले पुलिस कांस्टेबल थे तब मैं पुलिस स्टेशन गया था, जब से वो मरे मैं कभी नहीं गया। मुझे मत ले जाओ। सेठ जी अपना गुनाह यही कबूल कर लीजिए, नहीं तो ये लोग सचमुच आपको ससुराल ले जाएंगे। हाँ कभी गलती से मिलावट हो जाती है थोड़ी बहुत, बस काला बाजारी भी। मेवालाल सारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, और मैंने ये भी सुना है कि तुम डंडी मारकर वजन में कम तोलते हो। क्या करूं साहब, मैं तो नौकर आदमी हूं, जैसा सेठ जी कहते हैं मुझे वैसा ही करना पड़ता है। सेठ जी कहते हैं जब कोई 2 किलो चावल मांगे तो उसको 1 किलो दो। मैं तो गरीबों का दोस्त हूँ, मैं उनको 1.5 किलो देता हूँ और सेठ जी को पता भी नहीं चलता है। अच्छा हरामखोर, जब भी मैं बोलूँ मेरा अनाज इतना कम क्यों हो रहा है, ये गल्ला क्यों क्यों आ रहा है? हरामखोर कमीने धोखेबाज। अबे सो क्या कह रहे? अरे जब अपना धंधा ही सो गया तो मैं जाके क्या करूं? लुका पट्टा, एक तो टांग पर टांग डाला ऊपर से हिला भी रहा है। ये मेरी टांग है, मैं इसको हिलाऊं या नचाऊं तुमसे मतलब है? और नहीं हिलाऊंगा तो लोग मुझे मरा हुआ समझ के शमशान घाट में पटक आएंगे। आपको नहीं मालूम ये गांव वाले किस बुरी तरह से हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। लाइन लगी, दुश्मनों की नगरी कितनी आबाद है, मेरी दुकान कब्रिस्तान की तरह बर्बाद है। अबे देख वो दुकान देख, कितनी भीड़ है अपनी दुकान में, तो महीने भर में भी इतने लोग जमा नहीं हुए जितने वहां पर जमा हुए। ओहो क्या मेला लगा है, लगता है दूसरे गांव के लोग भी वहां पर आ गए। क्यों ना हो भाई, जब असली चीज हो सस्ती हो तो भीड़ तो लगेगी ही, और पछतावे क्या होता है जब मिलावट की चिड़िया चुग गई खेत। अबे नमक हराम, मैं तेरा मालिक हूँ, मालिक की बर्बादी पे गाना गाया जाता है। आहे का मालिक, ठंडा तो चल नहीं रहा, हालत ऐसी खराब है कि मारने के लिए मक्खियां तक नहीं है और मालिक पने की धौस से मारे हो। अरे तुम्हारे ग्राहक मेरी हिलती हुई टांग देखकर भाग गए कि तुम्हारी मिलावट देखकर? हाँ बेटा बोल ले, जब आदमी का वक्त बुरा होता तो मरे हुए कुत्ते से डर लगता है, तू तो फिर भी जिंदा कुत्ता है। अभी देख वो आदमी, देख वो आदमी कितनी जल्दी अपनी दुकान की तरफ आ रहा है। आज कोई फंसा, बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक फंसा। उठो उठो उठो, स्वागत है, खुशामदीद, भले पधारो, आ जाओ मेरे बाप दुकान पर, मत जाइए। अरे भाई साहब कुछ भी खरीद लीजिए, हम दोनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये देखो पेट खाली है। माचिस 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 बीड़ी जलाना है। हमारी दुकान में सब कुछ सस्ता मिलता है। इमली 2 रुपया, मूंग की दाल 3 रुपया, तुअर की दाल 1.5 रुपया, गेहूं सस्ता, गुड़ और मुफ्त में, ये भी रख लो। पैसे बाद में, कोई जरूरत नहीं, जल्दी नहीं जल्दी नहीं, पैसे बाद में, कुछ भी कुछ भी ले लो, उधार भी मिलेगा। अरे छोले, अबे कुछ तो ले जा। ये आया मांगा जलाया फूका और चल दिया हरामखोर। अगर यही हाल रहा तो इस दुकान को बंद करके दूसरे किसी गांव में हमको भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में तो हमको भीख भी नहीं मिलेगी। और सुनिए सेठ जी, ये जो जेवर आपने पहन रखा है ना, इसको गिरवी रखने की नौबत आने वाली है। अच्छा ये बताइए, ये सोना तो असली है कि इसमें भी मिलावट है? अबे तू चुप कर, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह चटा की तरह चपटा कर दूंगा। देखो सेठ, मुंह संभाल कर बात करो, पगार तो देते नहीं हो, धोस देते हो। अरे आज तुम सेठ हो मगर तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम थोड़े दिनों में कर्जदार बनने वाले हो, उसके बाद नौकर बन जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो नौकर था, नौकर हूं और नौकर ही रहूंगा। मेरे लिए 50 दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए तो खुद का दरवाजा बंद हो गया है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मुझे तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं। और सरकारी दुकान वाले, तुमको एक पुड़िया बांधने वाले की जरूरत है ना, मैं आया। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था, देखो चाक लिया, चाक लिया। अरे बैठो मालिक बैठो, नाराज हो गए क्या? हेलो कबूतर, ये आंखें बंद किए किसके सपने देख रहा था? अरे फूलमती, अरे तारामती, अरे चंद्रमती, ऐ मेरे जीवन के अंधेरे की बत्ती, मैं तेरे ही सपने देख रहा था, तेरे ही। झूठे कहीं के, बरसात का मौसम आया भी और चला भी गया और मेरा सारा बदन आम की तरह जलता रहा। और क्या करूं, मैं मजबूर था अपने कंजूस मालिक के हाथों, आज मेरा कंजूस सेठ दुकान पर नहीं है। हाँ? जरा अपनी थैली तो दिखा। तेरी थैली खाली? मेवा लाल की माशुका की थैली खाली? देखो ना। अरे कोई बात नहीं, अभी भर देता हूँ, तू मांगती जा, मैं फ्री फंड में माल डाल दूंगा। दो ना। लपक के ऊपर आ जा और इधर उधर देखती रह, कोई आ नहीं, लपक ले लपक ले लपक ले, ले कंजूस का माल, ले कंजूस का माल ले जा। अरे ये बेटी अपनी माँ को देना, बिस्कुट दो ना बिस्कुट। अरे बिस्कुट भी ले जा, बिस्कुट भी ले जा, धले 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 तू बिस्कुट भी ले जा, माचिस भी ले जा, माचिस भी ले जा, तू कुछ भी ले जा, कुछ भी, कुछ भी ले जा, कुछ भी ले जा, तू कुछ भी ले जा, ये भी ले जा। आए आए मेरी मोहब्बत की फूलमती, ये अचानक तेरे बालों को क्या हो गया, ये खड़े खड़े और छोटे छोटे कैसे हो गए? याद करो
पिछली बार अपनी दुकान से चुरा कर उस कंजूस सेठ की नजरों से बचाकर मैंने तुमको खुशबूदार तेल दिया था, क्या वो तुमने सिर पर नहीं लगाया है? और अचानक तेरे शरीर से बदबू कैसी आ रही है? क्या मेरे मालिक से गले मिलकर आ रही है? क्योंकि जब से वो पैदा हुआ वो साला नहाया ही नहीं। कंजूस मालिक के बदन की बदबू आ रही है? मैं जब से पैदा हुआ तब से नहाया नहीं हूँ। हराम खोर, मेरे दुकान का माल अपने बाप का माल समझ के उस धूलमती की थैली में डाला था। आज मैं तुझे चूहे मारने का पाउडर खिला करूंगा। मुंह खोल। आजा 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 आजा, यहाँ बैठ यहाँ बैठ यहाँ बैठ। देख, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि शादी के बाद जीवन कैसे बिताया जाता है, बाद में पछताते हैं। मुझको ये लफड़ाने चाहिए तो अपन पहले इसकी रिहर्सल कर लेते हैं। तो बता, शादी के बाद सबसे पहले तू क्या करेगी? घर चलाऊंगी। घर नहीं तो क्या अनाथ आश्रम चलाएगी? ये तो मुझको मालूम है। घर कैसे चलाएगी? उधार लेके चलाऊंगी। सारा देश इस वक्त यही कर रहा है, तू कर लेगी तो कौन सी नई बात करेगी? नहीं नहीं, सुबह उठकर तू क्या करेगी? ले पकड़। पका। अंगड़ाई लूंगी। अंगड़ाई लेगी, जमहाई लेगी, सब कुछ करेगी, उससे मुझे क्या लेना देना? काम की बात बोल। सुबह उठ के मैं भगवान को प्रणाम करूंगी। मतलब मुझको छोड़ देगी? क्यों? अरे बेवकूफी के फूल की पत्ती, पति शादी के बाद परमेश्वर होता है, सबसे पहले तुम मुझको प्रणाम करना। हाँ, समझ गई। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाऊंगी, मगर मेरे आने के बाद मुझे तो खाना खिलाएगी ना? हाँ हाँ जरूर। हाँ। चल, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब असली बात बता। हाँ। रात को क्या करेगी? रात को मैं तुम्हारे हाथ से पेट भर के खाना खाऊंगी। फकीरों के खानदान की लड़की से पाला पड़ा, हर बात में खाना घुसेड़ देती है। अरे खाना खाने के बाद क्या करेगी? सो जाऊंगी। ये भी कोई जिंदगी है? सो जाऊंगी। तो फिर तू ही बता क्या करना है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। समझाता हूँ, अपन एक नाटक करते हैं। मान ले कि तू एक मर्द है और मैं तेरी औरत। तू कौन है? मैं मर्द हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरी औरत। शाम को थका मांदा पति घर पे आता है और अपनी औरत को आवाज देता है, तो वो उसको कैसे बुलाएगा? अरे ओ हरामजादी चुड़ैल, उधर क्या फुसला मार के बैठी है, इधर आ। देखती नहीं मैं थका मांदा आया हूँ? हाय राम, कितने थके मांदे लग रहे हैं, शरीर से भी चर चर की आवाजें आ रही हैं। ऐसा कौन सा काम करके आए हो जी? ऐसा क्यों पूछ रही है, खाना पकाया या नहीं? कल की बासी खिचड़ी है, परसों की दाल पड़ी है, ज्यादा खराब नहीं हुई, पड़ोस का कुत्ता उसने मुंह मार के गया है, कहो तो गरम करके ला दूं? शर्म, छोरी, इधर आ। तू मेरी बीवी है या मैं तेरी बीवी हूँ? शर्म, दादी, कोई काम नहीं करती। निया बेचारा थका मांदा घर आया है, न खाना पकाया, न खाना खिलाया, न बिस्तर बिछाया। चलो उठ, उठ, पट्टी बंद कर और इधर आके जरा मेरे पैर दबा। चल। अरे अरे ये गधे की लाश, हट। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे हट हट हट। अरे मेरे को क्यों मारा ये? उधर मार गधे को। इतने साल हो गए मेरे सेठ की शादी को, एक बार भी उसकी बीवी ने उसके पांव इस तरह नहीं दबाए। नालायक को प्यार करना ही नहीं आता ना, सिर्फ मिलावट करना जानता है। मक्खी चूस, कंजूस, उल्लू का पट्टा, जला हुआ करेला, गला हुआ केला, खड़ी चोटी वाला सड़ा हुआ पिलपिला खरबूजा। तीर्थ यात्रा पे गया है दुराचारी, पापी, सड़ा हुआ कद्दू, साला। सड़ा हुआ कद्दू, मुझे किसी के पैर दबाने नहीं आते, मुझे मिलावट करना था। मारो तुम्हारे में। अरे 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 ये मेरे खेत की हाथी क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? क्या तेरा खेत मेरा खेत, ये सब झगड़ा तो खत्म, अब ये सब खेत मिलकर एक होने वाले हैं। तुम्हारे बाप की हिटलर चाहिए, सब मिलकर एक होने वाला है। मिलावट राम जी, सहकारी खेती के लिए हमारे चौधरी साहब ने तमाम खेतों को मिलाकर एक कर देने का ऐलान किया है, इसलिए हम सब ने फैसला कर लिया है कि ये खेत हम उनको दे देंगे। अरे तुम खेत की अपने बीवी बच्चे भी उनको दे दो ना, मुझे क्या लेना देना है, मगर मेरे खेत की आदत क्यों तोड़ रहे हो? क्या कर रहा था? मैं ये तोड़ रहा, मिला रहा था। मिला रहा था? इसमें सारे गांव की भलाई है। बेवकूफ हो तुम, गधे हो, इसमें गांव की नहीं तुम्हारी चौधरी की भलाई है। पहले वो खेत मिला देगा, बाद में हड़प करके तुम सबको हिला देगा। अबे वो मिलावट राम, मुंह संभाल के बात कर,
विजय बाबू इंसान नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। देवता है देवता। अरे काय का देवता है, बेईमान है, 420 है, फंदेबाज है। अबे चौधरी साहब के खिलाफ बोल रहा है, काट डालो इसको। काट डालो साले को, टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे बचा रहे, बचा बचा। काटो मत, काटो साले को, काटो मत, काटो काटो मत। दोनों तरफ की बात करता है। अरे यही तो देश की हालत है। आज तो तेरे को छोड़ दिया, अगर आज के बाद कभी कुछ बोला है तो काट के फेंक दूंगा। चलो चलो। अरे क्यों छोड़ दिया यार? क्यों छोड़ दिया उनको? उनको क्यों छोड़ दिया? मैंने तेरे को बचाने बोला, तू बोलता काटो। सेठ जी आपकी नियत की तरह आपके कान भी खराब है, अब तो खाम का भाग कर आ गए। मैं तो उसे कह रहा था मत काटो, मत काटो। मगर आपने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, काटा ही नहीं। खैर जाने दे। नाम मेरा मिलावट है और विजय ने अपनी चालाकी से गांव के सारे खेतों को मिला डाला। अब देख मैं अपने दिमाग की मिलावट से ऐसा गिरावट वाला आइडिया निकालूंगा कि उसके घर की बनावट बिगड़ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। तू समझेगा भी नहीं। आजा